जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ ही आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज आपको हम दिखाएंगे दुनिया के टॉप 10 TPI बोल्स, जो आपको US होल्स्टीन की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने इनके फ़ीचर रखे जाएँ। तो सबसे पहला बुल जो है वो आपके सामने है, जो आप देख सकते हैं जी। पहला बुल है लायोनल, ठीक है जी। इसका पूरा नाम है मिस्टर टी एस्प्रूस फ्रास लायोनल ईची। ये बुल जो है जनाब, ये आपका, ये देखें जी, ये A2 बुल है जी। आप इसको टॉप पे इसको आप देख सकते हैं। इसका जो नेट मेरिट है वो 1255 है और जो इसकी TPI है वो 3172 है। ये इस वक्त टॉप का बुल है जी। TPI के हिसाब से अगर आप इसको चेक करें, इसका जो मिल्क है वो 3397 जो है जी आपने प्लस करना है, जो अमेरिकन बेस है। अमेरिकन बेस तकरीबन 13,000 से ऊपर है, 13,000 और कुछ उसकी मकदार है। तो उसमें आप ये 3397 जो है ये जमा कर लेंगे। अच्छा, उसके नीचे अगर आप आ जाएँ तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जानवर की जो प्रोडक्टिव लाइफ है, ये जो PL लिखा हुआ है, ये +3.3 है। तो इतने ज़्यादा दूर के साथ प्रोडक्टिव लाइफ का प्लस में होना, मेरा ख्याल है ये इस रियली गुड। अच्छा, आगे जो चीज़ें मुझे मैटर करती हैं वो करती हैं फर्टिलिटी। इसका जो टोटल प्रेगनेंसी रेट है, ये DPR आप लिखा पढ़ रहे हैं, DPR जो है इसमें -2.8 है। और ऑन दी अदर हैंड इसका ओवरऑल फर्टिलिटी इंडेक्स जो है -1.3 है। अमूमी तौर पे वो बुल जिनका दूध ज़्यादा होता है, अमूमी तौर पे देखने में आया कि उनकी जो फर्टिलिटी है थोड़ी सी कम्प्रोमाइज्ड आपको मिलेगी। इसकी टोटल जो है जी, जो मिल्क है अगर आप ये देखें, ये 29,707 पाउंड इसका मिल्क है जी। 305 दिन स्टैंडर्ड होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 29,707 के साथ आप ये 4.4% लिखा देख रहे हैं। तो इतने दूध के साथ 4.4% इसकी फ़ैट है, जो कि बहुत रिमार्केबल है। इतना दूध और अच्छी खासी फ़ैट के साथ जो है ये बुल आपके सामने मौजूद है। ये बाकी इसके जो लीनियर ट्रेड्स हैं, इसमें थोड़ी सी इसकी पिंस हाई हैं, अगर आप देख सकें। इसका रंप एंगल जो है थोड़ा सा हाई है, और साथ ही इसकी जो अडर डेप्थ है भी आप देखें। ये बाकी के पॉइंट्स आपके सामने हैं। ये खैर आप डिसाइड करते हो जब आप अपनी एनिमल के लिए बुल सिलेक्शन करते हो, तो आप अपनी एनिमल के अंदर देखते हो कि उसके फिज़िकल लीनियर ट्रेड्स क्या हैं, फिनोटिपिक ट्रेड्स क्या हैं, उसी के हिसाब से आप अपने बुल की सिलेक्शन करते हो। तो ये तो था जी आपका लायोनल। अब मैं आपको बैक साइड पर ले जाता हूँ जी। वहाँ पर ये, अब आप देखें जी, ये बुल है जी, ये इसकी फ़ोटो है, ठीक है। और इट्स ब्यूटीफुल बुल, ज़्यादा वाइट कलर में है, यंग बुल है। और ये नीचे जनाब अली आप देख सकते हैं, ये इसकी जो है डॉटर्स हैं, ये देख सकते हैं आप, ये वर्ल्ड वाइड सायर का बुल है जी। सो दिस वाज द टॉप रेटेड बुल जो इस वक्त पहले नंबर पे चल रहा है जी, वो था जी फ्रास लायोनल। सेकंड नंबर पे जो बुल हमारा मौजूद है जी, वो है रेनिगेड, ठीक है जी। ये बुल जो है, इसका प्रॉब्लम ये है भाईजान कि ये बुल जो है ये A1 A2 है। ये आप देख सकते हैं, ये A1 A2 बुल है। और जो A1 A2 बुल है वो आपके पंजाब पाकिस्तान में आप इसको सेल नहीं कर सकते, ये बड़ा पंगा है जी। अच्छा जी, इसकी जो नेट मेरिट है ये 876 है, वेरी गुड। और जो इसका TPI है 3020 पे इसका TPI है। टोटल 324 डॉटर्स हैं। जितनी डॉटर्स का रिकॉर्ड ज़्यादा हो भैया उतना ही बेहतर। और 63 हर्ट्ज़, और सबसे इम्पोर्टेंट 100% US जो है इसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका जो मिल्क है जी 1117, आपने जो अमेरिकन होल्स्टीन की जो बेस है उसमें 1117 जो है आप प्लस करेंगे। और जो इसकी प्रोडक्टिव लाइफ है ये +3.6। और इसका DPR जो डॉटर प्रेगनेंसी रेट है वो भी गुड है, प्लस के अंदर है, +1.3 है। और इंटरेस्टिंगली इसका फर्टिलिटी इंडेक्स भी अच्छा है, +1.4। तो CCR जो काओ कंसेप्शन रेट है वो भी अच्छा है। तो मैं अमूमी तौर पे ऐसे बुल्स जो हैं एक्सेप्शनल होते हैं, जिनका मिल्क भी अच्छा हो और इनके मिल्क के साथ साथ इनका जो है ओवरऑल फर्टिलिटी इंडेक्स भी अच्छा हो। डांटे पिछले साल पाकिस्तान में आया था, तो डांटे एक अच्छा बुल है।
लेकिन डांटे का जो फर्टिलिटी है जो आपको माइनस के अंदर मिलेगा। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड इसका आप मिल्क देखें तो 30,590 पाउंड इसका मिल्क है 305 दिनों में, और फैट बहुत ज़बरदस्त है, 4.3% फैट है जी इसकी भी, जो मैं समझता हूँ कि इतने सारे दूध के साथ जो है बड़ी बात है जी इतनी फैट का होना। इसी तरह ये इसके लीनियर ट्रेट्स हैं, ये इसका ज़रा कद शद काफ़ी लंबा है, अगर आप देखें स्टेचर में ये +1.85 की कैटेगरी पे खड़ा है, ये टॉल आप देख सकते हैं कि ये बुल टॉल है, और इसके साथ साथ इसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें स्ट्रॉन्ग है, बॉडी डेप्थ इसकी डीप है, और टीथ की जो लेंथ है इसकी कदरे लंबी है। अब आपको दिखाते हैं जो रेनेगेड शक्ल में कैसा नज़र आता है, ये देखें जी ये इसकी फ़ोटो है जी, ये कदरे ब्लैक कलर के अंदर है जी, और नीचे इसकी डॉटर्स भी आप देख लें ये भी ब्लैक कलर में है। पर्सनली मुझे ब्लैक कलर के बुल और ब्लैक कलर की काउस बहुत पसंद है जी, मेरी अपनी पसंद है जी। ये तो हो गया जी दूसरा बुल, अब चलते हैं तीसरे बुल की तरफ। तीसरा बुल है जी हमारे पास, इसका नाम है जी टहिटी, अब इसको टाहिटी बोलना है टहिटी बोलना है जो भी आपका दिल करता बोल लें। टहिटी जो है ये बुल जो है ये भी A2 बुल है, ठीक है जी। इसके सारे इंडेक्स अवेलेबल हैं कनाडा का, जर्मनी का, न्यूजीलैंड का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, इसके इंडेक्सेस अवेलेबल हैं, A2 बुल है। नेट मेरिट बहुत तगड़ा है 1102 एक्सट्रीमली फाइन, और इसकी TPI जो है ये 2994 पे इसकी गई है, 863 डॉटर्स के साथ 30,060 पाउंड दूध है जी इसका, 4.2% फैट के साथ। और ये देखें जी, ये देखें, ये मज़ा आने वाला है आपको इस बुल को देख के, इसकी जो प्रोडक्टिव लाइफ है ये 5.3 पे जा गिरी है, मतलब इसकी जो लाइफ है इस एनिमल का जो प्रोडक्टिव स्पैन है वो काफ़ी तगड़ा है। इसका डाटर प्रेगनेंसी रेट आप देख सकते हैं DPR प्लस में है, इसी तरह इसकी जो फर्टिलिटी इंडेक्स वो भी प्लस है, और काओ कंसेप्शन रेट भी प्लस है। तो भाई इतना नेट मेरिट और इतनी TPI के साथ अपनी फर्टिलिटी को भी प्लस में लेके चलना, ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा खासा अचीवमेंट है किसी बुल के लिए। अब आपको इसकी फ़ोटो दिखाते हैं जनाब, दिस इज़ द फोटो, ये भी थोड़ा सा कदरे ब्लैक कलर में है, नीचे इसकी डॉटर्स भी आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में है, और क्या ही बात है जी। आप देखें जी अगर ऐसी काउस हम बनाने में कामयाब हो जाएं तो, बल्कि अब तो हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी काउस अवेलेबल हैं, वर्ल्ड वाइड सायर का ये बुल है जी जो आप देख रहे हैं जी। अगला जो है जी जो दिखाने जा रहे हैं दैट इज़ द हेलिक्स अल्फाबेट, ये A1 A2 बुल है, ये भी आप पाकिस्तान में पंजाब में सेल नहीं कर सकते हो। नेट मेरिट 964 है, TPI इसकी 2944 है, डाटस 205, 31,044 पाउंड मिल्क है, 4% फैट के साथ। अब इसमें देखें इसका जो मिल्क है 2422 प्लस है, ठीक है जी, अभी तक दूध पे माइनस कोई नहीं आया, प्रोडक्टिव लाइफ इसकी काफ़ी तगड़ी है, और लेकिन DPR इसका माइनस है। इसी तरह इसकी फर्टिलिटी इंडेक्स जो है ये भी इसका ओवरऑल माइनस है, तो बेहतर है कि अगर फर्टिलिटी हमें प्लस में मिल जाए तो ये बहुत जो है ना मैं समझता हूँ कि प्लस पॉइंट है जो कि आपको अचीव कर लेना चाहिए। अच्छा, अब अल्फ़ाबेट की जो है फ़ोटो जो है अल्फ़ाबेट की मुझे देखनी पड़ेगी, सॉरी अल्फ़ाबेट की फ़ोटो, लेट मी सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, वो मेरे पास लगता है मौजूद नहीं है, ये देखनी पड़ेगी दोबारा। अच्छा जी, अच्छा अल्फ़ाबेट के बाद हमारे पास जो अगला बुल है जी वो पांचवां बुल जो है उसका नाम है पाइन ट्री एक्यूरा ईटी। ये बुल जो है मैं काफ़ी इसको मैंने तलाश किया है, बहुत सारी वेबसाइट्स को देखा है, ये मुझे नहीं मिल सका, तो पांचवें नंबर का बुल हमारे पास अभी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। ये छठे नंबर का बुल अभी आप देख सकते हैं, दिस इज़ परसूट, पाइन ट्री परसूट, इसका जो नेट मेरिट है 956 है जी, और इसका TPI 2935 है, तगड़ा TPI के साथ, 217 डॉटर्स, 30,263 इसका जो है दूध है जी, और 4.2% फैट है, काओ कंसेप्शन रेट भी इसका +2.1, फर्टिलिटी भी प्लस में चल रही है, और आप इधर से देखें काओ कंसेप्शन रेट इसका देखते हैं जी। अच्छा, DPR भी इसका प्लस में है, प्रोडक्टिव लाइफ चेक करें, प्रोडक्टिव लाइफ +6.5, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा जी, मिल्क इसका आप देख सकते हैं 1613, ठीक है जी, तो ये अमेरिकन बेस में आप जमा कर लेंगे तो आपके सामने कहानी आ जाएगी। ये नीचे इसके लीनियर ट्रेड्स हैं जी, ये भी नस्बता लंबे कद का बुल है जी,
और चल, ये तो पॉइंट्स आपने देखने हैं अपनी पसंद के हवाले से। इसकी जो टीथ लेंथ है छोटी है, तो ऐसे बुल को लगाएं, ऐसे काऊ को लगाएं जिसका जो टीथ का प्रॉब्लम अगर आप समझते हैं चल रहा है उसमें इसको आप इस्तेमाल करें। तो ये आ गया जी हमारे पास बुल है जी, ये आप देख सकते हैं। ये पाइन ट्री परसूट थोड़ा सा बल्की है, अगली टांगों का डिस्टेंस बहुत तगड़ा है। मुझे ऐसे बुल बहुत अच्छे लगते हैं जिनके अगली टांगों का फासला कदरे ज़्यादा हो, रिब्स को स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, एनिमल अच्छे परफॉर्म करते हैं जी। इसके बाद जो अगला बुल है जी हमारे पास, दैट इज़ द बॉमेज मॉन्ट्रियल। ये जो बुल है जी, इसका 961 इसका जो है वो नेट मेरिट है, 2923 इसकी TPI है, 124 डॉटर्स के साथ 29,199 इसका मिलकर, लेट्स चेक द फैट, अल्लाह अकबर, 4.8% फैट है भाई, जर्सी के मुंह पे चपेड़े मारने वाली बात है। 29,199 के साथ 4.8% फैट, एक्सेलेंट, ज़बरदस्त। फर्टिलिटी में थोड़ा सा ये माइनस है जी, ठीक है, और इसका बाकी का DPR भी इसका माइनस में है, प्रोडक्टिव लाइफ एवरेज है, और हीफर कंसेप्शन रेट इसका पॉजिटिव में है, मिल्क भी इसका प्लस 586 पे आप इसको देख सकते हैं। तो दिस वाज मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल के बाद जो अगला बुल है जी वो है रैपिड। रैपिड जो है जी, ये आपका प्रूवन बुल है, ये आप देख सकते हैं, इट इज़ अ प्रूवन बुल, A2 बुल है जी। नेट मेरिट इसका 783 और TPI इसकी 2887 है। इसका भी ये आपके लीनेट रेट्स देख ले, हमारे कुछ डॉक्टर साहबान हैं जिनको ये लाइनें जितनी राइट साइड पे हों ये इनको बहुत पसंद है, चले उनके लिए ये बुल अच्छा है। A2 भी है, प्रूवन भी है। मिल्क इसका 1538 जो है आप देख सकते हैं, प्रोडक्टिव लाइफ एवरेज है, लेकिन डॉटर प्रेगनेंसी रेट जो है इसका माइनस में है, और अगर आप फर्टिलिटी इंडेक्स देखें तो वो भी थोड़ा सा माइनस में है। तो मैंने आपसे वही बात की है कि भाई इतना दूध दे के फर्टिलिटी को अपना प्लस में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पीछे हमने कुछ बुल देखे हैं जो हमें प्लस में जो है हमें लेके चल रहे हैं। अगला बुल जो है जी हमारे पास 9th नंबर पे, डेट इज़ द मैप क्वेस्ट, 957 इसका नेट मेरिट है और 2885 इसका TPI है और 506 डॉटर्स के साथ 29,328 इसका मिल्क है, 4.1% फैट है। ये जो आप देख रहे हैं ना 3.2% ये प्रोटीन है, चले मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, फर्टिलिटी इंडेक्स इसका प्लस में है, काओ कंसेप्शन रेट भी प्लस में है, और इधर प्रोडक्टिव लाइफ एक्सेलेंट, वेरी गुड, DPR भी प्लस में है, तो फर्टिलिटी ट्रेड्स इसके प्लस में है, मिल्क भी प्लस में है। और ये कहानी होगी जनाब आपके पास 9th नंबर की, ये भी A1 A2 बुल है। एंड द लास्ट वन इज द योलो। योलो बुल जो है इसका नेट मेरिट जो है जनाब 777, TPI 2884, 594 डॉटर्स के साथ 29,683 मिल्क है, 4.4% फैट है। इसका फर्टिलिटी इंडेक्स भी प्लस में है, हीफर लेवेबिलिटी प्लस में, काओ कंसेप्शन रेट प्लस में, और हीफर कंसेप्शन रेट प्लस में, इसका DPR प्लस में। तो फर्टिलिटी के हवाले से भी इसको आप देखें तो ये एक अच्छा बुल आपको देखने को मिलेगा। लेट मी शो यू योलो। ये है जी योलो, आपका यंग बुल है, अच्छा बुल है, अल्टरजेनेटिक्स है, तो देखने में तो बड़ा प्यारा खूबसूरत लग रहा है जी। तो आप बताइएगा आपको कौन सा बुल पसंद लगा, इनमें आप कौन सा बुल पसंद करेंगे, आप सिलेक्शन करने को करनी पड़े। पहले बता दूं कि इनमें से कोई भी बुल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये बता दूंगा आपको। ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, शौक करने वाले लोगों के लिए मैंने ये डिस्कस किया है, ताकि आपको ये जो मैंने आपको बुल बताए हैं ये 2022 ये अप्रैल 2022 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये मैंने आपसे शेयर की। अगर कोई भाई चाहता है कि टॉप 100 बुल की लिस्ट उसे चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मैं आपको वो टॉप 100 बुल्स जो हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगा। ये वैसे USHolston.com के पेज पे चले जाएँ, वहाँ पर ये प्रूफ्स जो हैं ये अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामुअलैकुम।